नमस्कार दोस्तों, ऑल टीईटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा टला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। ये प्रयागराज से न्यूज आ रही है कि 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा टल गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्रीधारी इन शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारी को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्ती पर इसका असर नहीं होगा। इसको मैं बार बार आप सभी के लिए जिक्र करता रहता हूं, ये बात आप सभी ने देखा होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने वर्ष 2018 में अधिसूचना जारी कर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड को मान्य किया था और इस अधिसूचना के जारी होने के बाद प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में रिक्त सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती जो है वो कराई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में बीएड डिग्री धारकों ने भी आवेदन किए थे। बहुत सटीक आंकड़ा तो नहीं है, पर लगभग 35,000 बीएड डिग्री धारियों का चयन इस भर्ती में हुआ जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत हैं। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही इनकी नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ की गई केंद्र सरकार और NCTE की अपील को खारिज करते हुए कहा था कि प्राथमिक शिक्षक यानी पांचवी कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारी योग्य नहीं है। इस कारण इन 35,000 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने के स्पष्टीकरण के बाद समाप्त हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार की अपील पर 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती फैसले से पहले हुई थी। इस बात को आप सभी जानते हैं कि जब वो फैसला आया था उससे पहले ही ये भर्ती हो चुकी थी, इसलिए उस पर कोई प्रभाव अब नहीं पड़ेगा। 35,000 शिक्षकों की नौकरी पर जो खतरा था वो टल गया है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।